नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपेश। सबसे पहले खबर राजस्थान से, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पा रही। सचिन पायलट ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सचिन पायलट ने कई मामलों पर सरकार को घेरकर दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। मेरे व्यक्तिगत स्टैंड का कोई मतलब नहीं होता संगठन के अंदर, और अलग अलग चार राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी है। इसलिए हमने कहा कि अलग राज्यों में हम पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपना फीडबैक दिल्ली में देते हैं किसी को। तो सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए और मॉब लिंचिंग को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा। कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है, वहीं जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।